बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, कालू और भोलू। कालू जन्म से ही अंधा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन भोलू उसका बहुत ख्याल रखता था। वे दोनों दोस्त रोज शाम को भोलू के आंगन में बैठते और अपने सुख दुख की चर्चाएं करते थे। बहुत ही प्रेम था उन दोनों दोस्तों में, और ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो वे आपस में बातें ना किया करते हों। वे अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे। एक दिन कालू भोलू के पास तय समय से बहुत देर बाद पहुंचा। अरे कालू भैया, जय सियाराम। अरे जय सियाराम भोलू भैया, कहाँ थे इतनी देर? अरे भैया पूछो मत, आज तो घर पर खीर बनी थी। खीर? मैं खीर खाकर आया हूँ। कालू खीर नहीं जानता था। खीर? कैसी खीर? ये खीर कैसी होती है भोलू? खीर ऐसे समझ लो, एकदम सफेद सफेद होती है। सफेद? सफेद मतलब कैसी सफेद होती है? सफेद मतलब ऐसे समझ लो, बगुले की जैसी, बिल्कुल बगुले की जैसी सफेद। कालू बेचारा अंधा था, वो क्या जाने बगुला कैसा होता है। वो बोला, बगुले की जैसी सफेद? अरे भोलू भैया, बगुला कैसा सफेद होता है, जरा मुझे ये तो बताओ। अरे कालू भैया, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें तालाब पर लेकर चलूंगा, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बगुला कैसा सफेद होता है। फिर वे दोनों लोग मिलकर तालाब की ओर गए और वहां कालू बगुला ढूंढने लगा। ओहो, वो देखो बगुला मिल गया। अब ए कालू भैया, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ बगुला पकड़ के, कि बगुला कैसा होता है सफेद। और जैसा बगुला सफेद होता है, खीर भी वैसी ही होती है, बिल्कुल एकदम बगुले के जैसी। ये देखो, जरा इधर तो आओ, फिर देखो तो सही बगुला कैसा है, बिल्कुल खीर भी ऐसी ही होती है। फिर भोलू ने कालू को बगुला पकड़ के दिखाया। कालू ने पूरा हाथ बगुले की चोंच से लेके उसकी पूंछ तक फिराया। उसे तो हर जगह बगुला टेढ़ा ही नजर आया, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। फिर कालू ने उसे बहुत समझाया, और कालू की समझ में सिर्फ ये आया कि खीर टेढ़ी ही होती है।